समझ में आ जाएगा तो समझना लाइफ टाइम समझ में आ गया, और इधर उधर बात करते रहोगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, पैकेज ऑलरेडी बना हुआ है उसमें डाल दें, ये है ना। हाँ अच्छा, स्ट्रिंग नाम से बना रखा है। अच्छा, ठीक है। क्लास का नेम सैंपल रख ले रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये बना लिया हूँ। टेक्स्ट विजिबल है सबको या थोड़ा बड़ा करूँ? अब ठीक है, या और बड़ा करूँ? ठीक है, देखिएगा, हम कहते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को हम कहते हैं इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर को कहते हैं हम म्यूटेबल, और स्ट्रिंग बिल्डर को भी हम कहते हैं क्या, म्यूटेबल। अब ये इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब क्या है? इम्यूटेबल का मतलब है जो चेंज ना किया जा सकता हो, जो चेंज ना किया जा सकता हो वो क्या है, इम्यूटेबल। और म्यूटेबल मतलब क्या हुआ, जिसको चेंज किया जा सकता हो, वो हो गया आपका क्या, म्यूटेबल। जब कभी भी हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना, स्ट्रिंग का टाइप का न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर कुछ भी लिख दिया हेलो टाइप का, और इसको देखा हमने ऐसे करा स्ट्रिंग str1 इज इक्वल, तो हमारे सामने मेमोरी में क्या क्या हुआ होगा ये देखते हैं। ठीक, मान लो इससे भी पहले अगर हमारे पास हीप भी है, अगर मैं हीप की भी बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट बना होगा स्ट्रिंग का फोर्सफुली हीप में। ठीक, मेरा एक ऑब्जेक्ट बना होगा स्ट्रिंग का जो कि इस न्यू की वजह से बन रहा है, फोर्सफुली मैंने एक ऑब्जेक्ट बनवाया होगा हीप में। लेकिन जैसे ही मैं अगर ये करता हूँ तो आपको मालूम है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में भी आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, ये देखिएगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में ये गया होगा आपका हेलो, ये सारा गया होगा कैसा, इस तरह से हेलो। लेकिन इस हेलो को कुछ ना कुछ एड्रेस दिया गया होगा, मान लो ये इसका एड्रेस, तो होता नहीं ना, ये इसका एड्रेस है। ठीक, पर इसके पास हीप में ऑलरेडी पहले से ही एक क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद का भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक और कर रहा हूं ऐसे, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू हेलो। ठीक, हीप में फिर से क्या हुआ होगा, एक और हीप में एक और क्या गया होगा आपका, हेलो, इसको कुछ एड्रेस मिला होगा। ठीक, इसको कुछ एड्रेस मिला होगा, लेकिन इस हेलो से पहले इसने चेक किया होगा, क्या चेक किया होगा, कि कहीं पहले से तो हेलो नहीं लिखा, और इसे कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। इसे कहते हैं हम क्या, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, और इसको हम कह रहे हैं क्या, हीप मेमोरी। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, ये आपकी हो गई हीप एरिया, हीप मेमोरी, और उसको कहते हैं हम क्या, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पूछ सकता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, है ना, क्या आप SCP के बारे में कुछ जानते हैं, डू यू अवेयर विद SCP। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एक इस वेरी स्मार्ट कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए मेमोरी को सेव करके रखता है, ठीक, फॉर फर्दर हिस्ट्री। ठीक है, अब स्ट्रिंग इसमें देखिएगा, जो पहले वाला मेरा इस तरह से बन के आया था, किस तरह से जो पहले मेरा बना था, न्यू स्ट्रिंग हेलो। ठीक, तो इस केस में मेरे साथ में क्या हुआ होगा, इस केस में मेरे साथ में जो हुआ होगा, ये ऑब्जेक्ट बना और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उठा करके इस वाले के साथ रख दिया फोर्सफुली, जेड, इसके साथ रख दिया फोर्सफुली, ये जो एड्रेस था, इस एड्रेस के साथ ये वाला एड्रेस फोर्सफुली रख दिया गया।
क्योंकि जब हम न्यू करते हैं तो मानना आप कि हम उससे फोर्सफुली कह रहे हैं नहीं भाई मुझे तो मेरा नया ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जब मैंने अगर ऐसे करा था, जब कभी अगर मैंने ऐसे करा, ध्यान से समझिएगा इसको, स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू हेलो, तो क्या हुआ होगा इस वाले के केस में, ये हेलो नाम का स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में बना दिया गया विद न्यू एड्रेस, ठीक है। पर इससे पहले इसने चेक करा होगा कि कहीं सेम एकदम बिल्कुल सिमिलर दिखने वाली स्पेलिंग मेरे कॉन्स्टेंट पूल में पड़ी तो नहीं, चेक करा इसने पड़ी है। दूसरी ड्यूटी कि कहीं इसका ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में तो नहीं बना हुआ, लेकिन बना हुआ है, इसने ये देखा बना हुआ है तो इसको वो छोड़ देगा, इसके पास ना तो इससे कुछ लेना देना ना इसको कुछ करना, अपना एक नया बना देगा। फिर से दोबारा मान लो हमने एक और करा, अब किसे देखो फिर से कर रहा हूं, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू हेलो, ऐसे कर दिया, फिर से जाएगा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में, देखेगा कहीं इसके जैसी दिखने वाली स्पेलिंग कहीं पे पड़ी तो नहीं है, पड़ी है दिख रही है आपको, वो भी पड़ी थी पर उसका हीप में ऑब्जेक्ट है उससे लेना देना, इसलिए इससे कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा, देख रहा है हाँ है, दिख रहा है आपको। तो इस str2 को यही वाला एड्रेस दे देगा, कौन सा वाला, 111001। अगर ऐसा नहीं करता ये तो पता है क्या होता, मेरा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल भर जाता और फर्दर में आगे स्ट्रिंग के लिए अगर जगह चाहता तो मुझे नहीं मिलता, इसलिए उसने ये चीज़ मैनेज करके रखी। अगर एक जैसी बिल्कुल सिमिलर स्पेलिंग दिखने वाली कोई अगर चीज़ है तो मैं उसको क्यों ना पुराने वाले का ही एड्रेस दे दूँ, मैं एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट की स्पेस बचा लूँगा। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का यही पूरा का पूरा लॉजिक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आपके की अगर आपके अनुसार आप देखा जाए स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, str1 और str2 का एड्रेस सेम है ना, भले ही मैं अगर एक और कर दूं ऐसा str3, ये अगर मैं कर दूं तो इसका भी एड्रेस क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन अगर मैंने इसमें ऐसे कर दिया तब नया बनाया जाएगा क्योंकि स्पेलिंग बिल्कुल मैच नहीं कर रही। स्ट्रिंग क्या होती है मालूम है आपको, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर की वजह से गड़बड़ हो गई। ठीक, अब भी क्या हुआ, इसने किसका एड्रेस किसको दे दिया, इस str3 को एड्रेस पकड़ा दिया इसका, क्योंकि इसके जैसा दिखने वाला एक और स्ट्रिंग पहले से ही स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में मौजूद है। इस तरह से हम देखो कितनी स्पेस बचा पा रहे हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल इज वेरी स्मार्ट कॉन्सेप्ट टू सेव द मेमोरी फॉर फ्यूचर हिस्ट्री, ठीक है, फॉर फर्दर यूसेज। ठीक, इट मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ योर स्ट्रिंग फॉर फ्यूचर यूज, ये कह सकते हो, इट मेंटेन क्या करता है, इट मेंटेन योर स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल फॉर फ्यूचर यूज, या इट मेंटेन योर स्ट्रिंग हिस्ट्री इन कॉन्स्टेंट पूल फॉर फ्यूचर यूज। ठीक, अब आगे देखते हैं, मैंने जैसा कि अभी वहां करा है तो यहां भी करके देख लेते हैं, ये करा और वी कर दिया, इसको कर देते हैं स्ट्रिंग थ्री और इसको बस बहुत है, थ्री तक ही बहुत रहेगा। ठीक, अब देखिएगा आप, सब में ही तो हेलो पढ़ा है, सब में ही तो हेलो पढ़ा है, पर मैंने इसके लिए आपसे कहा था कि इसका एड्रेस अलग हो जाएगा, है ना, करके देख लेते हैं। इफ कंडीशन में डाला अगर मैंने str1 को, मालूम है इक्वल इक्वल किस चीज को चेक करता है, एड्रेस चेक करता है ना, और अगर इसकी जगह मैं करता डॉट इक्वल्स तो क्या चेक करता है मालूम है, कंटेंट, दोनों में फर्क पता है ना। चलिएगा पहले एक बार डॉट इक्वल्स वाला देख लेते हैं, ये करा हमने और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहां पर हमने लिख दिया ट्रू लिख दिया, चलो ठीक है ट्रू लिख दिया। अगर मैं रन करूंगा तो इसका कंटेंट और इसका कंटेंट सेम है तो एक जैसा ही दिख रहा है कंटेंट, कंटेंट कंटेंट मतलब उसके अंदर रखी हुई चीज, कंटेंट तो सेम है तभी तो ये ट्रू आया। और अगर मैं इसकी जगह कह देता इससे कि भैया str1 इक्वल इक्वल
str3, तो इसने चेक करे एड्रेस, और आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है वो वाले एड्रेस का इस एड्रेस से कोई लेना देना नहीं, तो इस केस में क्या आ जाएगा? फॉल्स। इस केस में क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, हमने फॉल्स तो कराया ही नहीं ना, एल्स फॉल्स करा दो। ठीक, इस केस में वो मैच ही नहीं करा तो आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि एड्रेस अलग अलग है। पर क्या ये वाली जो बात थी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग थ्री, इनके एड्रेस सेम हैं या नहीं ये भी देख लिया जाए। str2 को str3 से चेक करा के देख लेते हैं, str2 को str3 से चेक करा के देख लेते हैं। अगर इसने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से वो सेम एड्रेस इसको भी दे दिया होगा तो ट्रू आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हल्का सा चेंज करके देख लेते हैं, इसका मैं ओ कैपिटल कर रहा हूँ। अब क्या एड्रेस सेम रहेगा? नहीं, अब एड्रेस सेम नहीं रहेगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? हाँ, जब कभी भी हम न्यू करके कहते हैं तो हम उससे डिमांड करते हैं, हम उससे कहते हैं भैया मुझे नया एड्रेस दो, मुझे नहीं बनता हूँ पुराने एड्रेस के साथ, मत करना मेरा काम। नहीं, वन के साथ टू को मैच कर रहे हैं तो कहाँ आ रहा ट्रू? देखो, वन के साथ टू को मैच करा, आपके सामने ही करा, देखो इक्वल इक्वल करा तो ट्रू कहाँ आ रहा? फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इनके एड्रेस अलग अलग है। देखो ना ध्यान से, इसका एड्रेस अलग और इसका एड्रेस अलग। जब इक्वल इक्वल यानी कि ये वाला निशान लगाते हैं ना तो हम एड्रेस चेक कर रहे होते हैं। ठीक, लेकिन जब हम लगा रहे होते हैं क्या डॉट इक्वल्स, तब हम उसके अंदर का कंटेंट चेक कर रहे होते हैं, मतलब इसको चेक कर रहे होते हैं इसको। भाई ये तो एक जैसा दिख रहा है ना, ये तो एक जैसा दिख रहा है। इक्वल्स मेथड करता है कंटेंट चेक, और जो हम कर रहे थे इक्वल इक्वल वो क्या चेक करता है? एड्रेस चेक। और हमने न्यू कह के उससे खुद ही कहा है कि भैया मुझे उस एड्रेस से लेना देना नहीं, मुझे नया एड्रेस दो। चाहे भले ही मैं इसको लास्ट में भी बनाता तब भी वो मेरे लिए एक नया एड्रेस बना के देता, क्योंकि मैंने उससे न्यू करके डिमांड करी है। ये देखो, क्योंकि मैंने उससे न्यू करके डिमांड करी है, अब भी क्या कहेगा वो? अब भी कहेगा भैया ये फॉल्स है, क्योंकि एड्रेस न्यू की वजह से नया आ गया। आया समझ में? और अगर हम न्यू ना कर रहे होते, इसको भी हम कह रहे होते कि नहीं भैया आप भी ऐसे ही रहो, ये लो आप भी ऐसे ही रहो, तो भैया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का तो लॉजिक आपको पता ही है, वो उसका एड्रेस उसी को पकड़ा देता, देखता क्यों फालतू में ये क्या हुआ। ओके, क्यों फालतू में मैं एक और स्पेस ऑक्यूपाई करूं जबकि मेरा काम चल रहा है उसी से? ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल का पूरा लॉजिक है। समझ में आया? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया इंटरव्यूअर के द्वारा तो आप समझा पाओगे। ठीक, अब बात आती है स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की। हाँ जी, डॉट इक्वल्स और इक्वल्स में क्या फर्क है? डॉट इक्वल्स और इक्वल्स, इक्वल्स नाम का तो कोई मेथड ही नहीं है ना, सभी डॉट लगा के आएंगे ना। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं उसको पता है किस तरह से इंटरव्यूअर इसको ऐसे पूछता है, मैं बता देता हूँ उसको भी। वो पूछता है व्हाट इज द, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन डॉट इक्वल्स एंड इक्वल, ऐसे पूछता है वो। तो आप बोलोगे डॉट इक्वल्स इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू कंपेयर द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग, एंड इक्वल इक्वल इज द असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू इन वेरिएबल, वेदर इट वुड बी वेरिएबल और वेदर इट वुड बी रेफरेंस वेरिएबल। आपको मालूम है ना वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में क्या फर्क है? अगर वो प्रीमिटिव डेटा टाइप के साथ है तब तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल। अगर वो नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप के साथ है तो रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है ना? तो लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर तो दोनों के केस में एक ही लगता है, यही वाला लगता है ना? डबल इक्वल नहीं, डबल इक्वल हाँ पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट इक्वल्स इक्वल्स एंड डबल इक्वल। अब आप बता दो डबल इक्वल इज यूज टू चेक द एड्रेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टू वेरिएबल्स, आप ये बात करोगे। ठीक है, ये चेक करता है एड्रेसेस को। इसके केस में आप ये नहीं कहोगे, अच्छा अगर आप मुझसे ये वाली बात कहने लगे कि 5 = 5, तो आप कहोगे ये तो जो है ट्रू आ जाएगा, और ऑब्वियसली आ भी जाएगा ट्रू, कौन मना कर रहा है ट्रू नहीं आएगा, 5 = 5 ऑब्वियसली आ जाएगा ट्रू। परंतु क्या यहाँ एड्रेस चेक करा होगा या 5 को चेक करा होगा?
यहां भी उसने 5 का एड्रेस ही चेक करा होगा, यहां भी उसने 5 का एड्रेस ही चेक करा होगा। इसको जो ड्यूटी दी गई है वो अपनी ड्यूटी भूलेगा नहीं, और जो 5 का एड्रेस है वही 5 का एड्रेस है ना। 5 और 5 दोनों एक ही तो हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या करूं, स्ट्रिंग वन डॉट EQUALS, हाँ ये तो मेथड हो गया ना। इसके अंदर आप वो डालोगे ऑब्जेक्ट, देखो साफ साफ लिखा है ऑब्जेक्ट और ये रिटर्न। यार ये डॉट इक्वल्स ही तो है माई डियर, ये देखो ना डॉट इक्वल्स, ये डॉट इक्वल्स ही तो है। हाँ इसके केस में इंट डबल फ्लोट कौन सा, एससीपी का नहीं, वो स्ट्रिंग के भाई नाम दिया उसने साफ साफ, क्या दिया है देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग में किसको कांस्टेंट रखना है, जिसे कांस्टेंट रखना है उसे हिस्ट्री के लिए, मतलब हिस्ट्री उसकी बना ली जाती है, जिसे कांस्टेंट रखना है पूल के अंदर उसकी हिस्ट्री बना ली जाती है, फिर कोई और उसकी जैसी हिस्ट्री से मैच करने वाला अगर आया तो उसको उसका एड्रेस पकड़ा दिया जाएगा। 5 का और 5 का एड्रेस कैसे मैच हुआ, ये आपका जावा की इंटरनल, क्योंकि डबल इक्वल आपका क्या काम करता है, एड्रेस से चेक करता है, ठीक। इंटीग्रल पार्ट के लिए भी उसने जितने भी इंटीग्रल दिखने वाले हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की वजह से नहीं है, वो केवल आपके लिटरल्स की वजह से है, और हर एक लिटरल को कुछ ना कुछ एड्रेस प्रोवाइड कराया गया है। तो डबल इक्वल को जो ड्यूटी गई है उसको ड्यूटी सिर्फ यही दी गई है, आप एड्रेस ही चेक करेंगे। हाँ ऑब्वियसली सीधी सी बात है, हाँ इंटरनली चेक करेगा उसको। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसने 5 को 5 से चेक करा है, नहीं, पीछे उसके कैलकुलेशन चली है, हाँ वो नहीं जानता 5 क्या है। हाँ फिर से बोलू कोड, हाँ हाँ लिखता हूँ 5.1 = 5.16। हाँ सीधी सी बात है, आप देखिएगा 5.1 डबल इक्वल लगाया और 5.16 लगाया, दिख रहे हैं एक जैसे, दिख रहे हैं एक जैसे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे तो भाई सीधी सी बात है फॉल्स रहेगा, एक जैसे दिखेंगे तो ही तो ट्रू रहेगा भाई, एड्रेस एक जैसे दिखने वालों को ही तो दिया जाता है, जैसे ही अलग हो गया 5.6 तो उसका एड्रेस अलग हो जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं यार ऐसे नहीं, देखो पहली बात तो जब ये मेमोरी में गया होगा, ये जैसे मेमोरी में गया होगा तो 5.1 नहीं गया होगा, इसके आगे कुछ ना कुछ जीरो वगैरह लगी होंगी, क्योंकि डबल है, डबल रीड कर रहा है इसको, है ना, तो इस पूरे को कंपेयर करा होगा उसने, ये भी डबल के जैसा ही है, ट्रीट करा होगा इसके साथ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया अभी फिर से रिपीट कर सकते, दोबारा बताऊंगा, लेकिन जब मैं पूछूंगा तब ये मत कहना ये तो कराया नहीं था, क्योंकि मैं आऊंगा किसी दिन फिर कहूंगा भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल करा दिया था, नहीं जी ये तो कराया नहीं, और भी ऐसे कहते हो जैसे आज कह दिया सेट, मैंने आते ही पूछा सेट करा दिया, कहाँ कराया ये तो कराया ही नहीं, मैंने कहा लास्ट वीडियो दिखाना उसमें सारा कराया हुआ दिख रहा है, हाँ उसमें मैंने कुछ चीज बोली होगी, मैंने कहा था कंपेरेबल और कंपेरेटर समझाऊंगा, मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पर्सनली कुछ 1-to-1 नहीं कर रहा, मैं पूरी क्लास से कर रहा हूँ 1-to-many, जो भी आपने बताया अगर वो अच्छा था तो बढ़िया बात है, आपको याद रहा, अगर नहीं रहा तो खराब बात है, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े, सिंग कॉन्सेप्ट पूल का कॉन्सेप्ट खत्म, चलेगा इसे बंद कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। अब आते हैं स्ट्रिंग की बात कर रहे थे हम, कि कह रहे थे हम कि भैया ये स्ट्रिंग जो है क्या है, इम्यूटेबल, हम कह रहे हैं स्ट्रिंग क्या है इम्यूटेबल, है ना, लेकिन हमने क्या करा देखिएगा, str1 = str1 + high, है ना, ऐसे कर दिया हमने, अब देखें कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ, देखें प्रिंट करके देख लेते हैं,
str1 को प्रिंट करके देख लिया, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये चेंज हो गया है ना, और हम कह रहे हैं ये तो इम्यूटेबल है। हम कह रहे हैं क्या इम्यूटेबल है, पर भैया आप ये भी तो देखो, हम इससे फोर्सफुली कह रहे हैं असाइन करने को, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हमने, फोर्सफुली कहा है इससे कि भूल जाओ उसे, अब मैं जो कह रहा हूं वो करो, इसलिए तो चेंज हुआ। पर अगर मैं इसको ऐसे करता, आपको याद होगा स्ट्रिंग के अंदर एक क्या है, कंकैटिनेट है ना, str1 डॉट डॉट कंकैट, और इसके अंदर मैं कर रहा हूं क्या हाय, ठीक, और इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या इसने कंकैट करा भी था या नहीं करा था। देखें क्या इसने कंकैट करा भी था या नहीं करा था, देखिए जा कंकैट कर दिया। पर अब चेक करते हैं क्या str1 चेंज हुआ या नहीं हुआ, str1 चेंज नहीं हुआ, str1 चेंज नहीं हुआ, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। यहां तक मेरा काम तो निकल गया, देखो कंकैट करके काम भी निकल गया, लेकिन str1 को उसने चेंज नहीं करा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल। यही सारा काम अगर हम स्ट्रिंग बफर के साथ कर रहे होते, स्ट्रिंग बफर के साथ कर रहे होते, इसमें ऐसे नहीं करते, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, जिसे हम वाला हेलो करके कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग के साथ ही है, इसके अंदर हमेशा न्यू लगा के करेंगे बफर के साथ, न्यू स्ट्रिंग बफर, और ये लो स्ट्रिंग बफर के साथ कंकैट नाम का मेथड नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये म्यूटेबल है, और जब म्यूटेबल होगा तो कंकैट के एवज में कुछ ना कुछ तो दिया होगा जोड़ने के लिए, अपेंड, अपेंड नाम का एक मेथड दिया, अपेंड का काम भी वही होता है जो आपका कंकैट करता है, ठीक। अब देखें जरा, अब देखें क्या इसने अपेंड कर दिया होगा, हाँ कर दिया, अब देखें ये चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, अपेंड की वजह से चेंज हो गया, इसी वजह से हम कहते हैं स्ट्रिंग बफर क्या है, म्यूटेबल, चेंजेबल। स्ट्रिंग बफर क्या है हमारा, म्यूटेबल, यानी कि चेंजेबल, वो चेंज हो सकता। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फोर्सफुली चेंज किया क्या, नहीं किया, मैंने सिर्फ अपेंड मेथड लगाया था अपना थोड़ी देर के लिए काम निकालने के लिए, पर वो तो हमेशा के लिए चेंज हो गया, दिख रहा है, यही आपका स्ट्रिंग बिल्डर के साथ होता है। यही आपका स्ट्रिंग बिल्डर के साथ होता है, देखिएगा उसने जैसे ही अपेंड करा तो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब सवाल आता है कि भैया जब ये दोनों ही म्यूटेबल हैं तो जरूरत क्यों पड़ी स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर इन दोनों की, काम तो हमारा बफर से ही चल पड़ा था, क्या जरूरत आन पड़ी थी फिर एक और बिल्डर बनाने की। तो यहीं से उसके जो क्या कहते हैं डिफरेंसेस ईजाद हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अब देखिएगा बात करते हैं हम, ये सब मिटा रहा हूं, स्ट्रिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो क्या था ये, इम्यूटेबल, ठीक, और क्या था, सिंक्रोनाइज, और क्या था, सॉरी नॉन सिंक्रोनाइज है, ये नॉन सिंक्रोनाइज है, ठीक, और क्या है, थ्रेड सेफ्टी इसमें नहीं है, नो थ्रेड सेफ्टी, नो थ्रेड सेफ, और क्या था, एक और है, मल्टी थ्रेडिंग अलाउ है, तीनों चीजें अलाउड हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी नॉन सिंक्रोनाइज होगा, नो थ्रेड सेफ होगा, वहां मल्टी थ्रेडिंग ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगी, क्योंकि एक साथ हम कई सारी थ्रेड चला सकते हैं, अलाउ कर रहा है, इज ए लाइट वेट प्रोसेस, एक छोटे से लाइन कोड को भी आप थ्रेड कह सकते हो, छोटे से मेथड को भी आप थ्रेड कह सकते हो, हमारी टेक्निकल भाषा में उसे थ्रेड कहा जाता है, जो भी एग्जीक्यूशन होता है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं, वो थ्रेड जाती है, उसे हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक, टेक्निकल भाषा में। अब आया था एक स्ट्रिंग बफर, बफर ने क्या कहा, मैं तो भैया म्यूटेबल हूं, मैं तो चेंजेबल हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं चेंजेबल, ठीक, और ये क्या था, ये नॉट चेंजेबल, अरे एक बात ध्यान रखना, इंटरव्यूअर आपको कहेगा, प्रूफ करके दिखाना,
याद रखना इसके साथ लगेगा कंकेट और उसके साथ लगेगा क्या, कंकेट इसमें है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि जब हम कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं ना वहां याद नहीं आता। हाँ बफर के पास नहीं है कंकेट, देखो ना अभी आप देख लो यहां मैं कंकेट ढूंढने की भी कोशिश करूंगा ना तो मिलेगा नहीं मुझे कुछ भी। ठीक हाँ कहाँ, हाँ स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है ही, इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल, और इसके पास होता है कंकेट मेथड और ये चेंजेबल है, और इसके पास होता है अपेंड मेथड। स्ट्रिंग बफर कहाँ लिखा, स्ट्रिंग ऊपर अलग है भाई, ये देखो ये लिखा स्ट्रिंग और ये लिखा स्ट्रिंग बफर। देखो आज कहाँ हो, चलो ऐसा कर दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए, अब तो पता चल पा रहा है किसकी बारे में बात हो रही है। ए, पूछो पूछो पूछ सकते हो यार, अब मैं फिर बाद में यहाँ मैं डॉट करके कंकेट दिखाऊं, दिखा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, ये आप कह रहे हैं डॉट करके सी ओ एन नहीं आ रहा, कहाँ चलिए ये लो बफर कर दूं। हाँ स्ट्रिंग में तो होता है कंकेट, स्ट्रिंग में तो होता है, स्ट्रिंग में किसने रोका, स्ट्रिंग में नहीं, स्ट्रिंग में तो होता ही भैया कंकेट, देखिएगा ये डॉट आ तो रहा है। ठीक है चलेगा, चलिए थ्रेड अलाउड हो गया। ठीक पर ये जब म्यूटेबल था तो इसने दो चीजें करी, क्या करा इसको सिंक्रोनाइज कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया और थ्रेड सेव भी कर दिया, थ्रेड सेव भी कर दिया और मल्टी थ्रेडिंग नॉट अलाउड। मल्टी थ्रेडिंग नॉट अलाउड, अब हमें लगने लगा कि भाई ये तो नुकसान हो गया, पहले तो बड़ा फास्ट फास्ट काम हो रहा था, आपको मालूम है स्लो हो जाता है जब मल्टी थ्रेडिंग नॉट अलाउड हो जाती है, पहले एक पूरी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी प्रोसेसर तब खाली होगा तब जाके दूसरी थ्रेड को वो मिलेगा, तो ऐसे में तो क्या होगा, ऐसे में स्लो हो जाएगा ना काम, ऐसे में स्लो हो जाएगा काम है ना। ऐसा मान लो कि भाई चार लोग हैं मुझसे कुछ क्वेरी करना चाहते हैं और मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस बना रखा कि भैया पहले नोटबुक पे अपनी क्वेरी लिखो फिर मेरे पास रख दो वो नोटबुक फिर मैं उसको देख लूंगा। हे तो मैं चार लोगों ने क्या करा नोटबुक पे लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, उनमें से इसका मैंने देखा इसका देख लिया, इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। पर मैंने कहा नहीं भैया एक एक करके आना, पहले नोटबुक पे लिखो रखो फिर मैं देखूंगा सॉल्व करूंगा तब जाके कोई दूसरा आए, ये क्या हो गई थ्रेड सेव। तो स्पीड किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, मल्टी थ्रेडिंग में स्पीड ज्यादा है और थ्रेड सेफ्टी में स्पीड कम हो जाएगी। तब स्पीड कम हो गई तो हमें रियलाइज हुआ, प्रोग्रामर्स को रियलाइज हुआ, उन्होंने कहा एक स्ट्रिंग बिल्डर और बना दिया जाए जिसमें आपका मल्टी थ्रेडिंग अलाउ हो जाए। ठीक स्ट्रिंग बिल्डर, म्यूटेबल तो था ही, हमने कहा म्यूटेबल भी रहे पर वो सारी फीचर भी चाहिए हमें जो इसके साथ थी, तब जाके आपका आया क्या स्ट्रिंग बिल्डर, ये तो चेंजेबल है, चेंजेबल अपेंड मेथड होता है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन सिंक्रोनाइज, यानी कि नॉन सिंक्रोनाइज हो गया तो नो थ्रेड सेफ्टी। ठीक और मल्टी थ्रेडिंग ये क्या बहुत है, तीन हो गए बहुत हो गया, हाँ यही है यही है। ठीक है तीनों में फर्क समझ में आया, जब कभी भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन आ जाए तो एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पूछ सकता है वो, दूसरा कि वो म्यूटेबल क्या चीज होती है या इम्यूटेबल क्या चीज होती है, क्योंकि हम तो फ्लो फ्लो में बोल देते हैं कि वो इम्यूटेबल है ये म्यूटेबल है वो थ्रेड सेव ये है, वहीं पूछ लेगा वो आपसे ये म्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी को प्रूव करके दिखा सकते हो, तब आपको करके दिखा देना चाहिए, कंकेट मेथड लगा के दिखा दो देखो जी नहीं हुआ, वो कहेगा इक्वल लगा के देखो हो रहा है, वो जानबूझ के फंसाएगा आपको, कहेगा इक्वल लगा के देखो तीनों में हो रहा है चेंज, इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है, तब आप कहना इक्वल ऑपरेटर जो होता है असाइन करने के लिए होता है फोर्सफुली, पिछली वैल्यू को भूल जाओ और नई वैल्यू क्या कर दो असाइन कर दो, और वही तो आप कर रहे हो इसके अंदर, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो जो इसकी खुद की ब्यूटी है उसे यूज करो ना,
डॉट कंकेट, इसका कंकेट करने के लिए एक मेथड है, उसे इस्तेमाल करो। क्लियर है? फिर वो कहेगा एक चीज और, एक और बता दो, फिर वो कहेगा क्या कि कंकेट तो हम प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, कहेगा ना, क्या फर्क पड़ता है, करके दिखा दो। ये लो जी, प्लस ऑपरेटर से भी हमने कर दिया, ठीक, और रन करके दिखा देना। देखो जी साहब, इसको मैंने इसके साथ करा लेकिन ये कंकेट इसका नहीं चलेगा, ये कंकेट आपका स्ट्रिंग का चल रहा है। बफर और बिल्डर के साथ अगर आप बात करवाओगे तो कहना कि ये कंकेट ऑपरेटर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है ओवरलोडेड, जो कि केवल स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट पे चलता है, ठीक। अब आपने इसको स्ट्रिंग के साथ चला दिया और दिखा देना कि लो जी साहब, काम भी निकल गया आपका और चेंज भी नहीं हुआ। क्लियर है? क्लियर है? प्लस ऑपरेटर जो कंकेट कर रहा है आपका, ये प्लस ऑपरेटर केवल और केवल आपके स्ट्रिंग के साथ करता है, और स्ट्रिंग की वजह से ही करता है इसके सिबलिंग के साथ भी, ठीक, बस। लेकिन अगर एक्चुअल में मेथड की बात करोगे तो कंकेट नाम का कोई मेथड नहीं है आपके बफर के पास और बिल्डर के पास, उनके पास जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ मेथड जरूर दिया गया होगा, और वो है क्या आपका अपेंड। वो कहेगा अपेंड नाम से स्ट्रिंग के साथ भी करके दिखा दो, तो आप बता सकते हो उसको अपेंड नाम का मेथड मेरी स्ट्रिंग के साथ है ही नहीं। क्यों नहीं है पूछेगा? क्योंकि जी ये तो इम्यूटेबल है, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, पास्ट हमेशा माना जाएगा आपका स्ट्रिंग का, उसके साथ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल काम कर रहा है। बिल्डर के साथ आप ये नहीं कहोगे कि ये सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट वही है जो सबसे पहले बना था, नया बनाएगा, नया बनाएगा, साइन करेगा, उसके साथ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल वाला चक्कर नहीं है, है ना। तो हमेशा फास्ट वाली अगर बात कर रहा है तो स्ट्रिंग ही रहेगा, क्योंकि उसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, ठीक है, जो अभी सिखाया था ये रहा। यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? कहां करेंगे मतलब? प्रोग्रामिंग में करोगे आप अपनी, जैसी आपको जरूरत पड़ आन पड़े। मान लो आप अपने जैसे वेब पेज में से कुछ कंटेंट आप रीड कर रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं हमेशा यही वाला करोगे। मान लो कोई सा हेडर आपने स्ट्रिंग में रखवा लिया, पर फॉर टाइम बीइंग उस हेडर के साथ आप नेक्स्ट वाला भी प्रिंट कराना चाहते हो तो कंकेट करके प्रिंट करा लो, पर मैं इसे छेड़ना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही रहे, उसे स्ट्रिंग में रखो, या मैं उसे यूज करना चाहता हूँ प्लस करके, यार मेरा थोड़ी देर के लिए काम चल जाए अंडरस्कोर लगा के, कंकेट करके अंडरस्कोर लगा लो, अपना काम निकल गया, पर वो चेंज भी नहीं हुआ, है ना, दैट्स इट। क्लियर है? अब आप ये कहोगे कि ऐसा तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी कर सकता था। हाँ कर सकते थे, कर लो, किसने रोका है, परंतु लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा और आपकी मेमोरी भी ज्यादा यूटिलाइज होगी। क्यों? क्योंकि आपने इक्वल ऑपरेटर लगा के फोर्सफुली पहले तो उसको दूसरा एड्रेस पकड़ाया, फिर फोर्सफुली अंडरस्कोर हटा के दूसरा एड्रेस पकड़ाया, तो इसमें टाइम तो लगेगा, नहीं लगेगा, फिर चलिएगा। अब बात कर रहे थे स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर बिल्डर तो हो गया आपका, मैं एक और चीज कराना चाह रहा था, कंपेरेटर और कंपेरेबल, है ना, चलिएगा, कंपेरेटर और कंपेरेबल फिर बात कर। हाँ, ये थ्रेड सेफ और ये थ्रेड सेफ क्यों नहीं है, इसके लिए आपको एक मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, मुझे समय मिला तो मैं ही करा दूंगा, नहीं तो अगर हो सके तो आप देख लेना, मैं ही करा दूंगा अगर मुझे मिला समय तो। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देखो, जब मैं स्ट्रिंग बिल्डर और बफर याद या वो यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग बफर के अंदर कई सारे मैं ऑब्जेक्ट बना के रख दूँ और उसको फॉर लूप से जल्दी जल्दी से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ठीक, फॉर लूप से जल्दी जल्दी से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो ये क्या है आपका सिंक्रोनाइज, सारे सिंक्रोनाइज वे में होंगे। लेकिन जैसे ही मैं बिल्डर से यूज करके इसको करा रहा हूँ, तो आप यकीन मानना, देखना, जब कभी भी रन करोगे, फास्ट फास्ट रन करोगे, तो कभी बीच में कोई और सी थ्रेड दिख जाएगी आपको, जबकि आपको दिखेगा यार सीक्वेंस तो मैंने ये बनाया था रन होने का, पर बीच में ये कहाँ से आ गया, वो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से आया। एक बार मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको रन करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको साफ दिख जाएगा, पर आपको अपनी उंगली फास्ट चलानी होगी, कंट्रोल रख के F11 बहुत जल्दी जल्दी करके देखना पड़ेगा, और जब इतनी जल्दी जल्दी चलेगा, जैसे ही उसे कोई और थ्रेड किसी एक थ्रेड को प्रोसेसर खाली मिला तो वही एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो आपको प्रिंट दिखेगा दूसरा, तब आप हैरान हो जाओगे, यार सीक्वेंस तो ये बनाया था और ये आ क्या गया, समझ गए, ये आपको पता चल जाएगा जब मैं मल्टी थ्रेडिंग करूँगा, ठीक।
मल्टी थ्रेडिंग वैसे अच्छी बात नहीं है, कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो जब आप फास्ट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो, आप कहोगे ये पहले क्यों एग्जीक्यूट हो गया, आपको ऐसा लगेगा, पर वो हुआ किस वजह से था, मल्टी थ्रेडिंग की वजह से, वहां हमने मल्टी थ्रेडिंग अलाउ। हाँ, जावा मल्टी थ्रेडिंग ही है, कैसे कह सकते हो, जावा के अंदर बहुत सारी थ्रेड सेफ्टी भी तो है। जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग इज कॉन्सेप्ट इज देयर, ये जरूर कह सकते हो, पर ये नहीं कह सकते आप जावा इज प्योरली मल्टी थ्रेडिंग, ये नहीं कह सकते आप। नहीं, अभी हमने थ्रेड सेफ्टी के कितने कॉन्सेप्ट दिखाए हैं, फिर जहां थ्रेड सेफ्टी आ गई तो मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, लेकिन ये कह सकते हो कि मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर इन जावा। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जावा, तो आप वहां कहोगे मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो देयर इन जावा, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग वाला, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जावा मल्टी थ्रेडिंग ही है। देखो ही है और भी है, मैं दोनों में बहुत फर्क है ना, जावा मल्टी थ्रेडिंग भी है और मल्टी थ्रेडिंग ही है, दोनों में बहुत फर्क है ना। आ रहा समझ नहीं आ रहा, हिंदी में तो समझा रहा हूं नहीं आ रहा भाई, अगर ही कह दोगे तो आपकी मजबूरी हो गई कि अब थ्रेड सेफ्टी कॉन्सेप्ट खत्म, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट खत्म, जबकि हमारे पास जावा के पास कितने सारे सिंक्रोनाइजेशन, जब कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करेंगे ना तो आपको कितने सारे सिंक्रोनाइज मिलेंगे, कर दो ली शायद कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात, चलिएगा कंपेरेबल और कंपेरेटर की बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंपेरेबल की, देखिएगा ये मैं नहीं जान रहा कि आप कैसे याद करोगे, पर मैं बता दे रहा हूं जब कभी भी आप कंपेरेबल की बात कर रहे हो तो ये है आपका नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है, और किसके द्वारा, जेवीएम के द्वारा यूज हो जाता है कंपेरेबल मेथड, अब कैसे होता है ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कंपेरेटर की, इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, अगर हम बात कर रहे हैं कंपेरेटर की, तो भैया यहां पे नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं होता, कौन सा होता है, कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन, हम जैसी कैलकुलेशन देंगे उसके अनुसार ये कस्टमाइजेशन कर देगा, ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू, दोनों में एक बड़ा फर्क और है, देखिएगा अगर आ ही जाए क्वेश्चन, ये तो बता ही दिया आपने कि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर इज देयर इन कंपेरेबल एंड कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर, मीन टू से दैट अवर मैनुअल सॉर्टिंग ऑर्डर, अवर प्रोग्रामर ओन रिटर्न सॉर्टिंग ऑर्डर वुड बी देयर इन कंपेरेटर, ठीक, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं ये है कहां पर, ये है आपके जावा, जावा के लैंग के पैकेज में, और ये कहां है, जावा के यूटिल के पैकेज में, लैंग है, लैंग, ये दूसरा फर्क दिख गया भाई, वो जावा के लैंग पैकेज में है और ये यूटिल पैकेज में है, दूसरा फर्क आपको दिख गया। तीसरा फर्क, मैं एक स्पेस मार दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह नहीं आए उधर, तीसरा फर्क अगर मैं बात करता हूँ कंपेरेबल की, इसके पास केवल और केवल एक ही मेथड है, कौन सा, कंपेयर टू, और यूज करता है कौन, जेवीएम, और इसके पास दो मेथड हैं, इसके पास दो मेथड हैं, क्या क्या, कंपेयर और इक्वल्स, ये दो तरीके के इसके पास मेथड हैं। अब एक और बात कर सकते हो, ये क्या, ये किसके साथ काम करेगा, आपकी सारी की सारी कितनी, उन सब क्लासेस के साथ जो कंपेरेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपेरेबल टाइप की क्लास के साथ काम करेगा ये। स्ट्रिंग क्लासेस एंड रेफर क्लासेस जिसमें क्या इंप्लीमेंट्स हो रखी हो, क्या कंपेरेबल इंटरफेस, इन विच इम्प्लीमेंटेशन
इज देयर फॉर कंपेरेबल इंटरफेस। पर इसकी अगर बात करें तो ओनली इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ कंपेरेटर। वहां देखो, यहां आया कंपेरेबल इंटरफेस की बात हो रही है और यहां क्या बात हो रही है आपकी, केवल और केवल कंपेरेटर की, ठीक उसी की बात हो रही है। कंपेरेबल इंटरफेस, कंपेरेटर क्लास, ठीक। यहां तक किसी को कोई इशू? चलिए अब एक बार इसको करके देख लेते हैं, एक बार इसको करके देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम नॉर्मल सा। पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो आपको मैंने बताया ही था, याद है पॉजिटिव कब आता है नेगेटिव कब आता है। मान लो मैंने ऐड करने की कोशिश, मेरे पास एक कम वो है क्या कहते हैं उसको यार, कलेक्शन, एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में मैं, इस कलेक्शन में मैं 10 को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, क्या करूँगा मैं इसके अंदर, मान लो एक बना के ही दिखा देता हूँ आपको, ट्री सेट बना दिया, ट्री सेट टी लिख लेते हैं इजिकल टू न्यू, ये सब ट्री सेट की बात कर रहे थे हम, कंपेरेटर और कंपेरेबल की, ट्री सेट, ठीक। अब इसके अंदर इसको स्मॉल लिख देता हूँ ताकि बार बार शिफ्ट ना प्रेस करना पड़े। अब मैं बात कर रहा था टी डॉट एड, और इसके अंदर मैंने कहा इससे कि भैया 10 को ऐड कर दे, टी डॉट एड, मैंने इससे कहा 10 को ऐड कर दे, 10 को ऐड करेगा तो इससे पहले क्या करेगा, तो देखिएगा आप क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंपेयर टू, कंपेयर टू नाम का जो मेथड होता है उससे चेक करेगा, लेकिन इसके अंदर पहले पढ़ा ही नहीं था तो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर 10 को डाल देगा। और अब मैं इससे कह रहा हूँ टी डॉट एड जीरो, ठीक। तो इसने क्या करा होगा मालूम है, इसने करा होगा जीरो डॉट कंपेयर टू किसके साथ कर दिया होगा, 10 के साथ। अब देखेगा क्या ये पहले आता है, जीरो 10 से पहले आता है या 10 के, यार जीरो है क्या ये, जीरो 10 से पहले आता है या 10 के बाद आता है। अगर ये पहले आता होगा तो ये रिटर्न करेगा नेगेटिव और 10 से पहले ही रख देगा, और अगर ये बाद में आता होगा तो ये रिटर्न करेगा पॉजिटिव, फिर 10 के बाद रखेगा। और अगर ये ना तो पहले आता होगा ना बाद में आता होगा तब क्या रिटर्न करेगा, जीरो, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए टी डॉट, हाँ इसी भी आप पे तो कर रहा है, अभी देखिएगा करेगा टी डॉट एड, मैं नया कर दिया है एड 15 कर दिया। अब देखिएगा मेरी इसमें क्या क्या पड़ा है, पहले डाला है इसे 10 से पहले डाल दिया इसने जीरो को, ठीक। तो ये सबसे पहले किस किसके साथ करेगा, यहां लिख दे रहा हूं 15 डॉट कंपेयर टू लेक्स, यहां लिख देता हूं, ठीक ठीक। कंपेयर टू किसके साथ कर रहा है, पहले वहां मिलेगी इसको जीरो, क्या 15 जीरो से पहले आता है या बाद में आता है, बाद में आता है, तो आपको बाद वाले के साथ क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करा होगा तो इसने क्या कर दिया होगा, जीरो के बाद रख दिया होगा 15 को, समझ में आया, जीरो के बाद रख दिया होगा 15 को, पर काम अभी भी नहीं हुआ कंप्लीट, अभी भी बचा, उसने देखा आगे और भी हैं, 15 डॉट कंपेयर टू किससे करेगा, अब 10 से करेगा, क्या आएगा रिटर्न, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या कर देगा, जीरो अपना ऐसे ही रखा रहेगा, 10 के बाद रख देगा 15 को, इस तरह से सॉर्टिंग हो रही है, किसी ने क्वेश्चन उठाया था ना। चलिएगा आगे और कर रहे हैं, ठीक। टी डॉट एड, अब मैं फिर से इसके अंदर 10 ऐड कर रहा हूँ, 10 ऐड कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा है ये, 10 डॉट कंपेयर टू किसके साथ करेगा, जीरो के साथ, तो क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा, तो जीरो के बाद रखेगा या पहले रखेगा, जीरो के बाद 10 रख दिया होगा इसने, और बाकी के 10 और 15 एज इट इज रखे होंगे, ठीक है। लेकिन काम अभी खत्म कहाँ हुआ, इन दोनों के साथ भी तो होगा, फिर आगे 15 के साथ भी होगा, अब क्या करा होगा इसने, 10 डॉट
कंपेयर टू क्या कर दिया 10, तो क्या आया होगा, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो आ गया होगा। और जीरो के केस में वो भैया कुछ नहीं करेगा, उसके साथ ना तो बदलेगा ना कुछ करेगा, उसके साथ ही अपने आप को रखे रखेगा, दैट्स इट, वहीं का वहीं रह जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। अब आगे नहीं चेक करने जाएगा 15 के बाद, वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि जीरो आया है अब, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ। क्लियर है, नहीं है? इस तरह से बस तीन अंकों को लेके भी आपने बैलेंस ट्री समझा दिया, समझना आपका पॉजिटिव गया है आंसर। कंपेरेबल कंपेरेटर अगर आपने समझा दिया, और ये डॉट कंपेयर टू मेथड के बारे में आप समझा रहे हैं, सिर्फ तीन नंबर के साथ ही आप सिद्ध करवा सकते हो कि मुझे आता है, सिर्फ तीन नंबर के साथ, क्योंकि वो यही जानना चाहता है एल्गोरिथम किस व्याप पे काम करती है, माइनस प्लस और जीरो, ये तीनों बातें अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, माइनस हमेशा पहले वालों की, 10 से पहले होगा तो माइनस, और अगर माइनस है तो वो उससे पहले ही रखेगा, प्लस है तो बाद में रखेगा, बार बार बाद वाले को बाद ही कह रहा हूँ और प्लस वाला बाद में कह रहा हूँ, तो इससे याद रह जाएगा। ठीक है, क्या इसमें स्ट्रिंग में क्यों नहीं होगा, हैश कोड बताया नहीं था मैंने आपको, हैश कोड पे कुछ काम करके आना, हैश कोड के भी आप पे उस कोड के हिसाब से काम करेगा, वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के लाएगा, सबके साथ काम करेगा। ठीक है, ट्री सेट टी इज इक्वल टू न्यू रीसेट, और ये कर दिया ओके, सेव करा, टी डॉट एड, मान लो पहले मैंने डाल दिया 10। अच्छा, कभी भी गलती मत करना इंटरव्यूअर के सामने, होशियार ज्यादा बनने की कोशिश मत करना, पता चल रहा है आप स्ट्रिंग के साथ करने बैठ गए, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अब उसके हैश कोड निकाल निकालने बैठ जाओ, वो भी बोर हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। इससे अच्छा आसान से चीजों से करो ना, 1 2 3 ले लो, 10 20 30 ले लो, 0 5 और 11 15 ले लो, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, बोलेगा तो फिर करवाओ, भैया आपको हैश कोड बताना है, उसको कहना हैश कोड के ब्याप पे काम करेगा बस, लेकिन आप वहां स्मार्टली ये भी बता सकते हो कि हैश कोड इज इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, एज अ टेस्टर वी आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दैट वन, तो ये अपराध नहीं करा आपने, आपसे कौन कराने बैठेगा हैश कोड, आप टेस्टर हो, आपको सिर्फ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी है, आप डेवलपर नहीं हो। ठीक, हाँ आपका आ गया 0 10 15 और एल्गोरिथम उसी ब्याप पे आपकी चली होगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे, हम ये तो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर हो गया, कंपेयर टू मेथड को उसने इस्तेमाल कर लिया होगा आपके जेवीएम में, है ना। अब आप बात कर रहे थे किसकी, कंपेरेटर। ठीक, तो कंपेरेटर में क्या होता है हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर जो नेचुरल वाला होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं डिस्टर्ब उसको। सैंपल नाम की क्लास है, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ये सब काम हो गया है। ठीक, मैं यहाँ पर कंपेरेबल के नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर को मैं ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इसकी अनइम्प्लीमेंटेड क्लास को वो करो, ऐड कर लो, कौन सी है कर लिया, ओवरराइड कर दिया, किसको करा कंपेयर टू को, कंपेयर टू को ओवरराइड कर दिया मैंने। ठीक, कर दे रहे हैं ट्रिपल डी, इसमें ऑब्जेक्ट पास कराया, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने इंटीजर ओबीजे 1 करा, और इज इक्वल टू इसी का ही एक काम करते हैं, इसको स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं, कंपेयर हम गलती से उसके वाले को कर रहे थे जो कंपेरेबल वाला था,
ठीक, हम बात कर रहे थे कंपेरेटिव, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर अगर छेड़ना है तो हम कंपेरेटर यूज करते हैं ना, और उसका कंपेयर मेथड को हम वो करते हैं अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज। ठीक, हाँ बोलो। चलिए इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आ गया पब्लिक कंपेयर। इसके अंदर मैंने एक ले लिया इंटीजर आई वन इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन पास कर रखा है, ये ओबीजे वन या ओ वन, या इसको आई वन की जगह ओबीजे वन रख लो, ओबीजे वन इज इक्वल टू ओ वन। और इस ओ वन को क्या कर लोगे आप, जब मैं इंटीजर में कर रहा हूँ तो पार्स कर लोगे, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव लाना है। ठीक, इसलिए मैंने ये सारा करा, ऐसे ही एक दूसरे वाले के साथ कर लोगे भाई। दो ऑब्जेक्ट पास करे हैं ना इसने, देखो इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ कंसोल को, दो ऑब्जेक्ट पास करे ना O2 और O1, तो इन्हीं के साथ लिए मैं वो कर रहा हूँ O2, और इसको भी ऑब्जेक्ट 2 हो गया। ठीक, बस मेरे इंटीजर में कन्वर्ट तो हो गए। अब जब कन्वर्ट हो गए तो अब मैं इसे एक कंडीशन में चेक कर सकता हूँ, क्या मेरा OBJ1 छोटा है OBJ2 से, अगर है तो मैं रिटर्न कर दूँ क्या प्लस वन, अदरवाइज मैं एल्स में रिटर्न कर दूं क्या, एल्स इफ एक माइनस वाला भी होता है फिर जीरो वाला होगा, एल्स इफ मेरा ओपीजे वन इज ग्रेटर देन ओपीजे टू, तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न माइनस, ठीक माइनस वैल्यू रिटर्न कर दे, या फिर एल्स में रिटर्न कर दे जीरो, एल्स में रिटर्न कर दे जीरो। बस मैंने सिंपल सा ये जो कंपेयर नाम का मेरा मेथड था, कंपेरेटर मेरे इंटरफेस के अंदर ये जो कंपेयर नाम का मेथड था, इसको मैंने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। मैं डायरेक्ट ओबीजे वन और ओबीजे टू से नहीं करा सकता था, क्योंकि ये बात करता फिर किसकी, उसके एड्रेसेस की। अब मैं बात करना चाहता था किसके कंटेंट की, इसलिए मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट करा। इंटीग्रल वार्ड में कंट्रोल कन्वर्ट करने के बाद मैंने चेक करा लिया क्या मेरा ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से छोटा है, अगर है तो मैं प्लस वन रिटर्न कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो मैं माइनस वन रिटर्न कर रहा हूँ, और अगर कुछ भी नहीं है यानी कि इक्वल होगा, फिर तो इक्वल वाली कंडीशन आ गई। चाहो तो आप इक्वल इक्वल लिख दो या फिर एल्स लिख दो, क्योंकि लास्ट कंडीशन वही बची, तो जीरो रख रिटर्न करा दो। अब आप इसको यूज कर सकते हो, अब आप अपने प्रोग्राम में इसको यूज कर सकते हो। देखिएगा क्या, किसकी बॉडी, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना, चाहो तो लगा लो, सिंगल लाइन में लगाओ या ना मत लगाओ मर्जी है, वो आपकी, सिंगल लाइनर के लिए हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, चलो मैं बात कर रहा हूँ ट्री सेट की। ट्री सेट टी इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक, इस तरह से तो आपको पता है कि आपका ट्री सेट बन जाता है। कंट्रोल शिफ्ट हो सेव करा, ठीक, इस तरह से तो आपका ट्री सेट बन जाता है। ठीक, लेकिन आपने क्या करना है, आपके अपने ट्री सेट को क्या करना है आपके, इसके अंदर एक मैंने आपको बताया था इसके ओवर लोडेड कंस्ट्रक्टर बताए थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। एक काम करते हैं, मैंने इसका नाम रखा है सैंपल, सैंपल ही रहने देते हैं, जो आपका मन करे वो रखना, फिलहाल अभी मैंने इसको सैंपल ही रखा है। और कहीं एरर दे रहा है, ओके ये कर दिया, एक ही क्लास में करूंगा तो थोड़ा सा हौचपौच हो जाएगा, मैं इसको अलग क्लास में उठा के रख दे रहा हूं। पूरा मेथड मैंने उठा के क्लास एक्स वाई जेड जो भी आपका मन करे, ठीक, इसमें रख दिया। ठीक, और यहां से हम नहीं कर रहे इसको, जो सैंपल को सैंपल ही रहने, ठीक, ट्री सेट बनाया। अब इसके अंदर मैं अपना जो मैंने अपनी खुद का कंपेरेटर वाली बात जो करी थी उसे पास करा दी, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड या फिर जो भी है उसको पास करा दी। एरर क्यों दे रहा है भाई, एक्स वाई जेड को इम्प्लीमेंट तो कराया है, ये लो कोई बात नहीं, अब तो ठीक है, गलती से क्लास के अंदर क्लास बन गई।
ये आपका मेथड हुई क्लास और ये कंट्रोल एक्स करा सबसे लास्ट में लिया है, यहाँ रख दिया। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बन गया ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अंदर हमने जो छेड़छाड़ करी थी उसका ऑब्जेक्ट डाल दिया, वो एक्स वाई जेड डालो या अपनी पसंद का डाल दो, माई कंपेरेटर कर दो या माई कंपेरेटर, जैसा आपका मन करता है। मैंने एक्स वाई जेड डाल दिया। ठीक, अब देखिएगा टी डॉट ऐड कर रहे हैं, तो अब ये जेवीएम द्वारा जो यूज करने वाला था कंपेरेबल उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पास कर दिया अपने वाला। देखो मैंने अपने वाला पास कर दिया और अपने वाले से मैंने अपने वाले को ही ओवरराइड करा के अपने अनुसार कराना चाहता हूँ। ठीक, अब देखिएगा मैंने 10 ऐड करा दिया, टी डॉट ऐड, मैं यहाँ पे 0 ऐड करा रहा हूँ, फिर टी डॉट ऐड, फिर मैं यहाँ पर 10 ऐड करा रहा हूँ दोबारा से। ठीक, फिर टी डॉट ऐड, मैं यहाँ 15 ऐड करा रहा हूँ, बस ये 3-4 संख्या जो मान ली थी यहाँ पर भी वही। ठीक, और इसको प्रिंट करा लेते हैं, इससे ठीक, और टी को प्रिंट करा लेते हैं, और मैंने यहाँ रन करा। आप देखिएगा जो मेरा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा उससे ऑब्जेक्ट 1 अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2 से यानी कि ये इससे पहले आता है यानी कि छोटा है तो रिटर्न कर दे प्लस, जबकि वहां हम कर रहे थे पहले वालों के लिए माइनस, हमने उल्टा कर दिया, हमने यहाँ उल्टा कर दिया। ठीक, रिटर्न करा दिए यहाँ प्लस, जबकि यहाँ एक्चुअल में हो रहा था क्या माइनस, क्योंकि नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बिगाड़ना था और यही मैंने एक्स वाई जेड इसके अंदर पास करा दिया। तो मेरा ये ट्री सेट अब इसी की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो इसके अंदर मेरा पड़ा हुआ कंपेयर मेथड है इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो कंपेरेबल और कंपेरेटर में कैसे, बस आपको प्लस को माइनस करा लेना है, माइनस को प्लस, सिंपल सा है, इम्प्लीमेंट करके दिखा देना कंपेरेटर को तो वो बता देगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड। अनइम्प्लीमेंटेड के अंदर आपका क्या है, एक मेथड कंपेयर, कंपेयर दो ऑब्जेक्ट लेता है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक कंडीशन से चेक कराना, कराने से पहले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेना इंटीजर पार्ट में, कराने से पहले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेना इंटीजर पार्ट में, इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट कराने के बाद ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 से पहले आता है तो हमेशा हमारी एल्गोरिथम क्या कहती थी, माइनस होगा, लेकिन हमने क्या करा दिया जानबूझ के प्लस करा दिया। अगर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के बाद आता है हमारी एल्गोरिथम कहती थी कि प्लस आएगा, पर हमने जानबूझकर क्या करा दिया, माइनस करा दिया, तो एल्गोरिथम उल्टी चलेगी अब। क्लियर है? हाँ, फिर तो वो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर था वो तो वही कर दिया आपने अपनी मर्जी से, भी कुछ नहीं करा, ऐसा तो वो पहले भी कर रहा था, ऐसा वो पहले भी कर रहा था, वही करेगा। ठीक है भाई, पहले वालों के साथ नेगेटिव देता था, आपने भी नेगेटिव ही दे दिया। ठीक, इसे आप अपनी मर्जी से डिस्टर्ब कर सकते हो, दोनों में ही प्लस प्लस कर दो तो कुछ और ही आ जाएगा रिजल्ट, दोनों में अगर प्लस प्लस कर दो तो कुछ और ही आ जाएगा रिजल्ट, पहले वालों को भी प्लस, बाद वाले को भी प्लस, तो जहां जो मिला उसे वहीं रख देगा फिर। ठीक है, चलेगा, कंपेरेबल और कंपेरेटर भी हो गया आपका, और स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर बिल्डर भी हो गया। एक दिन अगर ऐसे ही थोड़ा समय हो हमारे पास तो एक बार मल्टी थ्रेडिंग मुझे याद दिला देना, मैं चाहता हूँ कि आपको करते हुए दिखाऊं कि कब कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट हो गई, आपको भी दिखे कम से कम, पर उसके लिए आपको उंगली पास पास चलानी होगी रन करने के लिए, तभी आपको दिखेगा। वही चीज अगर हम थ्रेड सेव के साथ करेंगे, कितना भी पास पास चला लो वो वैसे ही आएगा, सीक्वेंस में ही आएगा। ठीक, हाँ बात करते हैं, थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। ठीक है यार, रिकॉर्डिंग